हेलो फ्रेंड, आज मैं दिखाऊंगा टीवी का और एक फॉल्ट रिपेयर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं टीवी ऑन करके क्या फॉल्ट हुआ है टीवी में। तो फ्रेंड, टीवी तो बिल्कुल ठीक है, ऑन है, लेकिन टीवी में एक फॉल्ट है। वह टीवी में इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। इसका जो ग्राउंड है, इसका जो बॉडी ग्राउंड है, कोई भी हाथ लगने से करंट मारता है बहुत ज़ोर से। क्योंकि यही बात हमें जिसका टीवी है वो हमें बताया है। तो मैं फिर से टेस्टर से चेक करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते टेस्टर जल रहा है। तो टीवी में यही प्रॉब्लम हुआ है, तो आप देखा है। तो फ्रेंड, टेस्टर इस तरफ जलने का मतलब है, अगर शॉर्ट मारने का मतलब है, जो कोई भी पावर सप्लाई सेक्शन का हाई वोल्टेज, डीसी वोल्टेज और आउटपुट जो सप्लाई वोल्टेज, इसका बीच में रहते हैं। और जो एसएमपी ट्रांसफार्मर चोपर और पीएफ कैपेसिटर, इस दोनों में कोई भी शॉर्ट होने से ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो फ्रेंड, ये जो फॉल्ट हुआ है, ये पावर सप्लाई सेक्शन का फॉल्ट है। तो फ्रेंड, ये जो फॉल्ट हुआ है, ये है पावर सप्लाई सेक्शन टीवी का, यहाँ पे हुआ है। ये पीएफ कैपेसिटर और ये है चॉपर ट्रांसफार्मर, ये दोनों ही चीज़ ख़राब होने से ऐसा प्रॉब्लम होता है। इस दोनों को ही हमें चेंज करके देखना होगा एक एक करके। तो पहले पीएफ कैपेसिटर चेंज करना होगा, और उसके बाद फिर भी नहीं हुआ तो हमें जो एसएमपी ट्रांसफार्मर है चॉपर, इसको चेंज करना पड़ेगा। और कभी कभी एसएमपी ट्रांसफार्मर है जो चॉपर, एक ख़राब होने से ऐसा होता है। तो ज़्यादातर पीएफ कैपेसिटर ही ख़राब होता है। तो पहले पीएफ कैपेसिटर चेंज करके देखना होगा, और हो जाए तो अच्छा है, और नहीं हुआ तो, और एसएमपी जो ट्रांसफार्मर है पावर सप्लाई सेक्शन का, इसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ये ख़राब होने से ऐसा प्रॉब्लम कभी कभी होता है। तो फ्रेंड, ये फॉल्ट होता है पावर सप्लाई सेक्शन का। आप देख सकते हैं, ये है पावर सप्लाई सेक्शन का हाई वोल्टेज डीसी वोल्टेज है ग्राउंड, और ये आउटपुट सप्लाई का ग्राउंड। ये दोनों का बीच में जो पीएफ कैपेसिटर लगी देते हैं, ये पीएफ ख़राब होने से ऐसा प्रॉब्लम होता है। सर्किट में हाथ लगने से शॉर्ट मारता है, इसलिए शॉर्ट लगता है, और यही पीएफ को चेंज करना होगा। इसलिए क्योंकि फ्रेंड, पावर सप्लाई सेक्शन में डीसी वोल्टेज हाई एम्पियर है, इसलिए शॉर्ट मारता है, और आउटपुट डीसी वोल्टेज से हाथ लगने से शॉर्ट नहीं लगता है कभी। तो फ्रेंड, पहले पीएफ को चेंज करना होगा। यही जो पीएफ है, ये कभी कभी कमजोरी और लीकेज प्रॉब्लम भी होता है। तो इसको जो शॉर्ट कभी देखा है और कभी नहीं देखा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। ये तो मीटर से चेक करने से कभी कभी शॉर्ट दिखाता है और कभी कभी नहीं दिखाता है। तो भी आपको ये पीएफ कैपेसिटर चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे ही ख़राब होता है। तो इसे चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए डायरेक्ट इसे चेंज कर देती है, क्योंकि ज़्यादातर यही पीएफ कैपेसिटर ख़राब होने से ऐसा प्रॉब्लम आता है सर्किट में। तो फ्रेंड, आज इस प्रॉब्लम के बारे में एक जानकारी है जो आपको याद रखना होगा। कुछ सर्किट ऐसा है, उसका नेगेटिव आउटपुट नेगेटिव पॉइंट में टेस्टर टच करने से हल्का जलेगी, तो इससे शॉर्ट नहीं लगता है। इससे डरने का कोई बात नहीं है, ज़्यादा जलने से शॉर्ट लगने का डर है, तो आप ध्यान रखें इस बात का। तो फ्रेंड, इसको पता करने का एक आसान उपाय है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो इनपुट ग्राउंड और आउटपुट ग्राउंड का टेस्टर टच करने से एक जैसा जलेगा, तो आपको समझना होगा इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और लगने का डर है। तो फ्रेंड, जो ख़राब पीएफ कैपेसिटर है जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है, इसको तो मैंने चेंज कर दिया। तो एक बार फिर से टीवी ऑन करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम ठीक हुआ क्या नहीं। तो आप देख सकते हैं टीवी ऑन हो गया, टीवी का फ्लेम जल रहा है। तो मैं आपको देखा तो फिर से एक बार चेक करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डीसी वोल्टेज हाई रहे थे, यहाँ पर टेस्टर तो जलेगा ज़रूर, लेकिन और यह आउटपुट सप्लाई वोल्टेज ग्राउंड,
जो आउटपुट ग्राउंड यहाँ पर अभी और नहीं जल रहा है, आप देख सकते हैं टेस्टर बिल्कुल नहीं जल रहा है, इसका मतलब ठीक हो गया। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो मैं हर तरह लाता रहता हूँ।